आखिर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका स्पेशल लीव पिटीशन किसे कहते हैं, कब दायर की जा सकती है और इसके मायने क्या होते हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते रहे, इसके साथ ही 3 दशक से बड़ा अनुभव है उनके पास सुप्रीम कोर्ट की वकालत का, शैल द्विवेदी जी बात करने के लिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम विप्लव अवस्थी है और आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर नो द लॉ में। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं स्पेशल लीव पिटीशन की। तो शैल जी, मुझे बताइए स्पेशल लीव पिटीशन कहते किसे हैं, ये कब दाखिल कर सकते हैं और इसकी कानूनी वैधता क्या होती? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 136 आर्टिकल 136 व्यवस्था करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल कर सकता है। ठीक है, लेकिन स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल करना किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, ये कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का टोटल डिस्क्रिशन है कि वो उस व्यक्ति को विशेष अनुमति दे कि वो याचिका दायर करे। इसके लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है सब कुछ, स्पेशल लीव टू अपील। तो पहले तो कोर्ट परमिट करती है आपको कि आप किसी भी जजमेंट के खिलाफ, किसी भी सेंटेंस के खिलाफ, किसी भी ऑर्डर के खिलाफ, किसी भी एडजुडिकेशन के खिलाफ आप एक पिटीशन दाखिल करने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट आपको देती है और तब आप एक याचिका दायर कर देते। तो ये टोटल डिस्क्रिशन है जो संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दे रखा और ये बड़ा ही वाइड पावर है आर्टिकल 136। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अनुच्छेद 227 में हाई कोर्ट को जितने भी कोर्ट्स होते हैं उस राज्य के, उन पर सुपरविजरी पावर होता है उनका, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ऑल ओवर द कंट्री सारी कोर्ट, सारी ट्रिब्यूनल्स के जो भी ऑर्डर्स होते हैं उसके खिलाफ कोर्ट परमिट कर सकती है कि आप विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 के तहत दाखिल कर सकते हैं। लेकिन ये आपका अधिकार नहीं है, ये कोर्ट का विवेक है, डिस्क्रिशन है कि कोर्ट को आपको ये परमिट करे या परमिट ना करे। यू कैन नॉट क्लेम इट एज ए मैटर ऑफ राइट, जबकि अनुच्छेद 132 से 134 तक आपका अधिकार होता है लीव टू अपील। आप कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये अख्तियार दे रखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच करें, ये अधिकार आप, लेकिन अनुच्छेद 136 सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। क्या मुझे ये बताइए, क्या हाई कोर्ट कोई मैटर सुन रहा है या निचली अदालत कोई मैटर सुन रही है, उस मैटर सुनने के दौरान, सब जुडिस मैटर के दौरान ही क्या कोई व्यक्ति एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। अगर आप अनुच्छेद 136 पढ़ेंगे तो उससे 136 में लिखा हुआ है नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, यानी नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉज है कि कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है इस चैप्टर में जो कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित है वो भी सुप्रीम कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकती है और आपको परमिट कर सकती है कि आप स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करें। कोई जजमेंट हो, कोई डिक्री हो, कोई डिटर्मिनेशन हो, कोई सेंटेंस हो, कोई ऑर्डर हो, मीनिंग देयर बाय एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग आपको ये अख्तियार है कि आप सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने के लिए किस तरह के वकीलों की, क्या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जरूरत होती है या सीनियर डेजिग्नेट एडवोकेट की जरूरत होती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं 2013 के, जिसके तहत एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है। या तो इंडिविजुअल खुद अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में दाखिल कर सकता है इन पर्सन, या वो किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के द्वारा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाए हुए हैं जो एक विशेष परीक्षा पास करनी होती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उन्हें यह अधिकार दे देता है कि वो वकालतनामा साइन कर सके और वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सके। दो तरीके हैं, या तो आप स्वयं कर सकते हैं इन पर्सन या थ्रू एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, किसी भी डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट को ये अख्तियार नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अहम जानकारियां मिली कि स्पेशल लीव पिटीशन कहते किसे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो निचली अदालत हाई कोर्ट में उसका मसला चल रहा है लेकिन वो अपने मसले से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से आ सकता है। हालांकि जैसा एडवोकेट शैल द्विवेदी जी ने बताया कि ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा कि उस पर वो उसको याचिका को स्वीकार करे अथवा ना करे। इसी वीडियो के अंतिम में के बीच में एक मोबाइल नंबर, ईमेल दिया हुआ है, फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न रहते हैं तो शैल द्विवेदी जी से आप इस पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।
लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।